ऐसी बेचैनी क्यों? 4 जून को आने हैं नतीजे, पर उससे पहले बैठक में जुटे इंडिया गठबंधन और एनडीए। लोकसभा चुनाव 2024 अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 1 जून को वोटिंग के बाद 4 जून को नतीजों की घोषणा की जाएगी। चुनाव खत्म होने के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियों में अलग ही बेचैनी नजर आ रही है। 1 जून को इंडिया गठबंधन एक बड़ी बैठक करने जा रहा है। खबर है कि बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने भी चुनावी नतीजों से पहले एक बैठक रखी है। नतीजों से पहले 1 जून को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडिया गठबंधन की बैठक बुलाई है। सूत्रों का दावा है कि आखिरी चरण की वोटिंग के दिन दिल्ली में इंडिया गठबंधन के आला नेता चुनाव की समीक्षा करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन को 300 सीटें जीतने का भरोसा है। कांग्रेस के उच्च सूत्रों का दावा है कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार, शिवसेना यूबीटी के उद्धव ठाकरे, एनसी नेता उमर अब्दुल्ला, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के कार्यालय की तरफ से अब तक हामी भर दी है। ममता ने बनाई दूरी। हालांकि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा बनने से दूरी बना ली है। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि ममता बनर्जी 1 जून की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। इंडिया ब्लॉक की यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से एक दिन पहले बुलाई गई है। सूत्रों का दावा है कि बैठक 1 जून को इसलिए हो रही है क्योंकि 2 जून को केजरीवाल को तिहाड़ जेल में समर्पण करना है। एनडीए की जयपुर में बैठक। उधर एनडीए भी जयपुर में बैठक करने जा रहा है। चुनाव नतीजों को लेकर और नतीजों के बाद की रणनीति पर इस बैठक के दौरान चर्चा की जाएगी। बैठक में बीजेपी के सभी घटक दल हिस्सा लेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बीते 10 साल से केंद्र की सत्ता में हैं। बीजेपी को यह उम्मीद है कि बीजेपी लगातार तीसरी बार देश में सरकार बनाने जा रही है।